हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ मोटी वाली भरवा हरी मिर्च की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो बार बार यही बनाओगी, क्योंकि ये इतनी टेस्टी और इतनी लाजवाब बनती है ये रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने हरी मिर्च ली है 8 से 10 मोटी वाली। इसे मैंने धोकर अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है और अब हम इसे कट करेंगे। तो हम यहाँ पे भरवा हरी मिर्च बना रहे हैं, तो हमें मिर्च को बीच में से कट लगाना है। इस तरीके से लंबा कट कर लगाना है, जिससे कि ये ऊपर से कटे नहीं। अगर आप इसे ऊपर से काट लोगे इसका डंठल, तो ये ऊपर से खुल जाएगी, तो जो हम फिलिंग भरेंगे वो निकल जाएगी। तो हमें ऊपर से इसका डंठल कट नहीं करना है, सिर्फ बीच में इस तरीके से चीरा लगाना है और इसके अंदर जितने भी बीज हैं उसे हम निकाल देंगे। ये बीज खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये बीज आप इस मिर्ची में से ज़रूर निकालें, जिससे इसकी मिर्ची का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरीके से मैंने ये सारी मिर्ची के अंदर से इसमें जो बीज थे वो निकाल दिए हैं। और ये हमारी हरी मिर्च अब तैयार है फिलिंग के लिए, तो हम इसके लिए फिलिंग बनाएंगे। तो भरवा हरी मिर्च के लिए फिलिंग बनाने के लिए, मसाला बनाने के लिए, सबसे पहले मैंने एक पैन के अंदर 1 कप जितना बेसन लिया है और इस बेसन को हमें लो फ्लेम पे भुनना है। भुने हुए बेसन का इस मिर्च के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो हमें यहाँ पे बेसन को भून के ही यूज़ करना है। और जब ये बेसन हल्का गोल्डन ब्राउन सा कलर का हो जाए, तब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल देंगे। इसे बर्तन के अंदर नहीं छोड़े, नहीं तो ये बेसन बहुत ही जल्दी जल जाता है। तो अब मैंने इसे एक अलग बाउल में निकाल दिया है और अब इसके अंदर कुछ हम मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे भुनी हुई मूंगफली का दरदरा सा पाउडर लिया है 2 टीस्पून जितना, वो हम इसमें मिला लेंगे। और साथ में हम 2 टीस्पून जितना सफ़ेद तेल मिला देंगे, इसका भी बहुत ही अच्छा एक क्रंची सा टेस्ट आता है इसमें। और साथ में 1/4 टीस्पून जितना हींग डाल देंगे, हींग में इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में 1 टीस्पून जितना हरा धनिया पाउडर, साथ में 1 टीस्पून जितना भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जितना अजवाइन ले रही हूँ यहाँ पे। इसे हम हाथ से मसल के इसके अंदर डाल देंगे। अजवाइन का बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। और साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और इसमें थोड़ी सी खटाई के लिए मैं यहाँ पे नींबू का रस डाल रही हूँ। मैंने 1 टीस्पून जितना ये नींबू का रस डाल दिया इसके अंदर। और अब ये ड्राई मिक्सचर है हमारा, तो इसके अंदर हम ऑयल में ऐड करेंगे। ऑयल से ये अच्छे से बन जाएगा, जिससे हमारी मिर्ची को भरने में इजी रहेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जितना मैंने ऑयल लिया है वो इसके अंदर डाल देंगे। और अब इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये हमारा मिश्रण बन के तैयार है मिर्ची में भरने के लिए। जब तक हम ये मिर्ची भर के तैयार करेंगे, तब तक हम साइड में पानी गर्म करने के लिए रख लेंगे। मैं यहाँ पे मिर्ची को स्टीम करके बाद में फ्राई करूँगी। स्टीम करने से ये मिर्ची अंदर से मसाला अच्छे से पक जाता है और हमने जो मसाले ऐड किए हैं मिर्ची वगैरह, वो कच्चापन जो है वो दूर हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे इन मिर्ची को स्टीम करेंगे। तो जब तक हम मिर्ची को भरते हैं, तब तक साइड में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख लिया है। और अब हमने जो मिर्ची रखी थी काट के, उसके अंदर हमने जो फिलिंग बनाई है बेसन की, वो हम भर लेंगे। मिर्ची को हमें इस मसाले को मिर्ची के अंदर मसाले को हमें दबाकर अच्छे से फिल करना है, जिससे कि हम जब मिर्ची को फ्राई करें तब ये मसाला बाहर नहीं निकले। तो इस तरीके से हाथ से प्रेस करते हुए हल्का इसे दबाकर इसके अंदर ये सारा मसाला हमें भर लेना है। अगर आपको लगता है कि आपका मसाला ज़्यादा बन गया है, बच गया है, तो आप इस मसाले से बाद में पराठे भी बना सकते हैं। इसके पराठे भी बहुत ही अच्छे बनते हैं बेसन के। और अगर आपको लगता है कि मसाला कम हो रहा है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा बेसन भून के और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये सारी मिर्चों को ये मसाला भर के तैयार कर लेंगे। ये खाने में मसाला बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपको यहाँ पे हल्का मीठा पसंद है, तो अगर आप गुजराती स्टाइल बनाना चाहते हैं, तो इस मसाले के अंदर थोड़ा सा आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और अब इस तरीके से ये देखिए, मैंने सारी मिर्चों को भर के ये तैयार कर लिया है। तो अभी हमारे स्टीम करने के लिए रेडी है मिर्ची। और साइड में हमने जो पानी गर्म करने के लिए रखा था, वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम ये सारी मिर्चों को रख लेंगे। मैंने यहाँ पे प्लेट को हल्का सा ग्रीस भी कर लिया था, जिससे कि ये मिर्ची नीचे की चिपके नहीं। और अब मैंने मिर्ची को रख लिया है इस प्लेट के अंदर। और अब हम इसे
चार से पाँच मिनट के लिए स्टीम करें। ज़्यादा हमें स्टीम नहीं करना है क्योंकि हमने बेसन को भून के ही यूज़ किया था यहाँ पे, तो हमें बेसन को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें जो इसमें कच्चे मसाले ऐड किए थे हमने, वही हमें इसे पकाना है। और हल्की सी मिर्ची सॉफ्ट भी हो जाती है स्टीम करने से। तो मैंने ये 5 मिनट के लिए मिर्ची को स्टीम कर लिया था और मैंने ये मिर्ची को निकाल दिया है बाहर। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, हल्की सी ट्रांसपेरेंट सी हो गई है मिर्ची। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक पैन के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल दिया है, उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जितना राई और 1 टीस्पून जितना जीरा डाल दिया है, और साथ में 1 टीस्पून जितना मैंने ये सफ़ेद वाला तेल डाल दिया है। और अब साथ में हमने जो ये हरी मिर्ची भर के रखी थी, स्टीम करके रखी थी, वो डालेंगे। और इसे ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, हल्का सा ही इसे पकाना है क्योंकि हमने इसे स्टीम करके पहले से पका रखा है। तो बस हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए हल्का से इसमें फ्राई करना है। हमने जो ये तेल डाले हैं वाइट फ्राई करने में, उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है। तो अब मैंने ये मिर्ची को 3 से 4 मिनट के हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लिया है, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है गार्निश करने के लिए। और ये हमारी भरवा हरी मिर्ची बेसन वाली बन के तैयार है। एक बार आप इसे अपने घर पे बना के ट्राई करें, ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी और बार बार इसे बनाने की डिमांड करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।